आज बड़ी खबर आ रही है झांसी से, जहां आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के तत्वाधान में अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश कुशवाहा महतो मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री बसावन प्रसाद भगत, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव विनोद कुशवंशी, राष्ट्रीय सचिव श्री गजेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री मनोज कुशवाहा, प्रदेश महासचिव सुरेंद्र कुशवाहा जी, झांसी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री सीताराम कुशवाहा जी के विशिष्ट आतिथ्य में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री नीरज कुशवाहा जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जनपद झांसी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह स्थानीय तुलसा विवाहघर में आयोजित किया गया। इसमें मनीराम कुशवाहा सहित कुशवाहा समाज के अन्य नेताओं ने अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का स्वागत महात्मा ज्योतिबा राव फुले चौराहे पर किया गया। तदुपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश महतो एवं राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर माल्यार्पण कर झांसी में पदार्पण किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सर्वप्रथम अतिथियों ने तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले, भगवान लपकुश एवं माता सावित्रीबाई फुले के चित्रों के
पुराना मेंबर बनते ही तो पुराना मेंबर समाप्त हो जाता है। अरे कल के कार्यक्रम में उपस्थित थे, आज के कार्यक्रम में उपस्थित है, वो यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? मुझे हम आपको फोन करा दिया तो उनको गला करके ले गया, वो कमजोर है संगठन के लोग इतने कमजोर हैं, कोई भी बदला नहीं। समाज में किसी को भी अधिकार है कहीं भी बैठने का और बातों को समझने का, उसके आधार पर ही वो निर्णय थे। निर्णय तभी लेगा ना कि सही क्या है गलत क्या है। आप खुद कह रहे हैं कि वो गलत है, गलत लोगों के साथ वाले सही थोड़ी हो सकते हैं। ऐसा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसके बाद हमने कहा कि आप कोषाध्यक्ष बने हैं, आदरणीय लोकमत कुशवाहा जी उनको प्रभार दे दो। देर शाम तक जब उसने कोषाध्यक्ष का प्रभार नहीं दिया लोकमत कुशवाहा जी को, तो हम लोगों ने उनको पटना के राष्ट्रीय समिति से मैं लियो इतनी बड़ी हद तक की पूरी दुनिया में खरीदने का प्रयास करें। अगर आप लोगों को उस पर अशोक सम्राट की बहुत नहीं लगेगी, वो इसकी मांग नहीं होगी। महासभा दो भाग में बन गया, इस पर भी चर्चाएं होंगी। मैं सुनता रहा होना ऐसे ऐसे नेता हम समाज का नेतृत्व करने चले, अपने समाज को पूरे हिंदुस्तान में एक जगह एकत्रित करने चले। क्या गलत लगा हुआ था हिसाब से हमको आने का, क्या गलत लगा हुआ था बिहार से हमको आने का, आपके बीच में आएंगे तो थोड़ा खाना खिलाने में भारी खाना खा लेते, सब कुछ कर लेते, सब जगह मिल जाता। क्यों आए अपने भाइयों को जगाने, अपना भूल समझ कर आए आपको बताने। मित्रों हमारी दुर्दशा हो रही है तमाम देश में, देश के हर राज्यों में हमारी दुर्दशा हो रही है। इसके पीछे एक ही कारण हम संगठित नहीं। इसलिए मित्रों मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। पुनः जिस सम्राट अशोक ने हमारे पूर्वजों ने कलिंग का विजय प्राप्त किया था और खून की नदियों को देखा, इतना खून बहा था, इतने लोग मारे थे, मारने की स्थिति को देख करके उनके दिल में दया आई कि नहीं ये खून खराब नहीं हुआ, और उन्होंने तलवार डाल दिया। नतीजा के पूरे दुनिया के कुशवाहा बंधुओं ने तलवार डाल दी। तलवार डालने का मतलब वो नहीं है, बुद्ध ने भी कहा है हिंसा मत करो, लेकिन सबसे बड़ा हिंसक वही है तो तुम पर अगर कोई तलवार उठाता है उद्घाटन करवा लेते हो तो सबसे पहले तुम हिंसक हो। आत्मरक्षा के लेकर तलवार उठाना पड़े, एक नहीं सौ का हत्या करना पड़े, कर लेना, लेकिन अभी भी कोई दिल्ली मत दिखाना। और मंच पर बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि के साथ विशेष अतिथि सभी लोगों का बैल लगाकर स्वागत करें। मानकर संविधान के पावन छत्र छाया में समाज की सेवा, समाज की सेवा बिना किसी पूर्वाग्रह, ईर्ष्या यहाँ से निष्ठा, प्रेम श्रद्धा से प्रतिफल समाज के हित में अपनी संपूर्ण प्रतिभा क्षमता एवं समय का सदुपयोग कर आडंबर अंधविश्वास कुप्रथाओं अशिक्षा दुराचार आपसी फूट आपसी वैमनस्यता से दूर रहकर
सम्यज्ञान संयक्षम बंधुत्व सहचर एवं सदाचार के पथ से समाज को प्रगति के उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए कठोर प्रयास करने की शपथ ग्रहण करती हूँ। सबका मंगल हो। सभी शपथ ग्रहण करता अपने हस्ताक्षर नाम मोबाइल नंबर लेके यहाँ पर जमा कर देते हैं।